यहाँ आप देख रहे हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप है, अगर हमें पहचानना है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, तो ट्रेपेजियम एक ऐसा शेप है जनरली हम पहचान ही नहीं पाते ट्रेपेजियम क्या। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अपर साइड एक लोअर साइड है। अपर साइड और लोअर साइड आपस में इक्वल नहीं है, अपर साइड और लोअर साइड आपस में इक्वल नहीं है, बट ये दोनों आपस में स्ट्रेट है, मतलब दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर दो चीजें आपस में पैरेलल होंगी, दो साइड्स आपस में पैरेलल होगी, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड हाइट बिटवीन देम। दोनों के बीच की जो हाइट है वो आपस में क्या होगी, इक्वल। ऐसे पहचाना जाता है ट्रेपेजियम को। मैं एक वीडियो के थ्रू कभी समझाया था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रेपेजियम आर द सिक्स टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाउ कैन वी जस्टिफाई देम। बट ट्रेपेजियम, द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम आर डिफरेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम आर डिफरेंट कैसे, कि जैसे आप समझते हो कि दो, इसके अंदर दो पैरेलल साइड्स होती है। अब देखो, एक पैरेलल साइड छोटी है और एक बड़ी है, तो दोनों को इस तरह से जोड़ा जाता है, और ये चीजें दोनों के बीच की क्या कहलाती है, हाइट, राइट। तो इसकी चाहे मैं कितनी भी हाइट खींच लूं, तो हाइट सारी की सारी क्या होती है, इक्वल होती है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहां पर हम दो तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेपेजियम की हाइट अननोन होगी और हमें उसका एरिया निकालना होगा। सबसे पहले एक बात सिखा देता हूं, अगर ट्रेपेजियम की ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, देन द ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपेजियम। ओके, तो पहले हम सीखेंगे कि अगर आइसोसेलस ट्रेपेजियम है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, और अगर सिंपल ट्रेपेजियम है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। वन बाय वन हम दो सवालों को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ईच बीइंग 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पैरेलल साइड्स क्या दे रखी, 20 एंड 10। तो हम क्या करते हैं, एक बार 20 एंड 10 दे रखी, तो 20 मतलब ये बड़ी हुई और ये 10, राइट। नॉन पैरेलल साइड्स आर बीइंग इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब कौन सा ट्रेपेजियम हुआ, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो यहां पर क्या करेंगे, ये भी हम लिखेंगे 13 और ये भी क्या लिखेंगे, 13। अब क्या है, हाइट निकालने, तो एक हाइट रहने दो, एक को हटा दो, दो तो मैंने इसलिए बनाया था आपके आपको सिखा सकूं, राइट। अब ऐसे सवालों में क्या करना पड़ता है, ट्रेपेजियम को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, किसके अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर और ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए कैसे, यहां हमने क्या करा, इसको एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट किया। अगर अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ए बी सी डी ई और एफ, हियर द पैरेललोग्राम इज ए बी ई एफ। अगर यहां से लेकर यहां तक कितना है, 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 10, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, सेम। अगर ये पार्ट 13 है तो ये पार्ट भी क्या होगा, 13, और पूरा का पूरा 10 है, पूरा का पूरा 20 है, और यहां से यहां तक कितना है, 10, तो 20 माइनस 10 कितना होता है, 10। दिस पार्ट ई सी विल बी 10। जब ये आइसोसेलस ट्रेपेजियम होता है, आप पता है अगर आइसोसेलस नहीं हो तो क्या करते हैं, ये जो होगा वो ये होगा, ये साइड दे रखी होती है, और पूरे में से, क्योंकि ये जो अपर पार्ट है वो ये वाला होगा, तो पूरे में से इसको माइनस करने पर ये आता है, ट्राइंगल की तीन साइड आती है, फिर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, ट्राइंगल के एरिए से फिर हम हाइट निकालते हैं। पर जब आइसोसेलस ट्रेपेजियम हो तो इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगले सवाल में सीखेंगे कि कैसे काम होता है। इसके अलावा क्या करना पड़ता है, अब ये क्या है, हाइट है, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलस, क्योंकि यहाँ पे दो साइड क्या है, सेम है, 13 एंड 13, तो ये हाइट है। ओके, ये क्या करता है, इस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बिकॉज दो साइड इक्वल तो बेस दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये 10, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5, और ये भी क्या हो जाएगा, 5। 90 डिग्री बनता है, 90 के सामने क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी, 90 के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। EB कितना है, 13, ED कितना है, 5, एंड BD कितना है, H। 13 का स्क्वायर 169, ये 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आएगा हो जाएगा -25। 144 इज इक्वल टू H स्क्वायर, उल्टा लिखेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि ये 12 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अभी हमको हाइट मिल गई, अब सिंपली हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो माय स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट ही निकालनी थी तो एक साइड कितनी है 10 और दूसरी कितनी है 20, पूरी पूरी क्या बोलेंगे 10 प्लस 20 और हाइट कितनी है 12। 2 से आप 12 को काट सकते हो, जब तक ये पूरा प्लस नहीं होता तक हम इसको काट नहीं सकते। 10 प्लस 20 कितना होता है 30 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज कॉल्ड 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बट इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का वो इससे डिफरेंट है क्योंकि वो जो ट्रेपेजियम है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट द सेकंड क्वेश्चन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। तो पैरेलल साइड्स क्या रखी 25 एंड 11। क्वेश्चन नंबर टू हियर हम क्या बनाएंगे ट्रेपेजियम बनाएंगे 25 एंड 11 तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाली होगी वो छोटी होगी 11 और नीचे वाली क्या होगी 25। नॉन पैरेलल आर 15 एंड 13 अब आपकी इच्छा है 15 यहां रखो चाहे 13 यहां रखो। अगर मैं यहां 15 रख रहा हूं तो वहां पर क्या रखूंगा 13। अब हमें क्या करना है एरिया निकालना है हमको हाइट निकाल बिना हाइट के एरिया नहीं निकलता बिकॉज पैरेलल साइड्स तो हैं हमारे पास पर हाइट नहीं है। सो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इसको ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करोगे ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम में। तो यहां पर हम क्या करेंगे इस पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम में कन्वर्ट करना है ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना है 11 तो ये नीचे वाला पार्ट भी कितना होगा यहां से लेकर यहां तक 11 कंप्लीट 25 है 25 माइनस 11 कितना होता है 14 तो दिस पार्ट कितना हो जाएगा 14 और ये 15 तो ये भी क्या हो जाएगा 15। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह के सवाल में ये ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि देखो ये जो हाइट है ना ये ट्राइंगल की भी हाइट है ये ट्रेपेजियम की भी हाइट है क्योंकि ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है ट्रेपेजियम के अंदर भी आ रही है। सबसे पहले जब तीनों साइड्स अलग अलग हो तो ट्राइंगल का एरिया किससे निकालता है हीरोन फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला में क्या करते हैं एस निकालते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी 13 बी की 14 सी की 15 डिवाइडेड बाय 2 सम कितना आएगा 42 डिवाइडेड बाय 2 की टेबल से 42 कितने टाइम कटता है 21 सेंटीमीटर। ये क्या है एस माय डियर स्टूडेंट्स एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है अपॉन 2 किसी भी चीज का हाफ कर दो इट बिकम सेमी। देन एरिया एरिया इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन स्क्वायर रूट। सो एस की वैल्यू कितनी है 21 मल्टीप्लाई 21 माइनस ए ए की वैल्यू 13 21 माइनस बी बी की वैल्यू 14 21 माइनस सी सी की वैल्यू 15 21 माइनस 13 कितना होता है 8 माइनस 14 कितना होता है 7 माइनस 15 कितना होता है 6। सबसे बड़े को एक बार छोड़ दो यहां ध्यान दो 7 6 8 21 तीनों में से किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में। तो ऐसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं 8 की क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इज द 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 7 एंड 6 को क्या बोलेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 7 दो बार है एक बार बार 3 दो बार है एक बार बार जो दो बार रूट में होगा वो एक बार बार आ जाएगा 2 2 टाइम्स से 1 टाइम आउट फिर 2 टाइम्स से 1 टाइम आउट इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 21 21 2 जा 42 42 जा कितना होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ ट्राइंगल देखो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया का एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना आया 84 हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 14। ये जो हाइट आती है ना ये जहां पर जाती है इस पे 14 पे जा रही है हाइट निकालना है 2 से कट जाएगा कितनी बार 7 टाइम। जो निकालना होता है वो मुझे LHS में दिखना चाहिए मतलब 7 इंटू एच को मैं यहाँ लिखूंगा और 84 को मैं वहां लिखूंगा तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज कॉल्ड 12 सेंटीमीटर। हाइट आ गई अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स क्या है 11 एंड ये पूरी कितनी 26 हाइट की कितनी 12 2 की डबल से 12 कितनी बार कट जाएगा 6 टाइम 11 और 26 25 सॉरी
11 एंड 25 कितना होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपको दो तरह के क्वेश्चंस कराए। इन दो तरह के क्वेश्चन से मैंने आपको ये सिखाया कि जब कभी भी हमें एरिया निकालना हो ट्रेपेजियम का, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये बात करनी होती है कि अगर ट्रेपेजियम आइसोसेलस है तो सबसे आसान, देखो दोनों ही कंडीशनों में हाइट गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि आइसोसेलस है तो जो अंदर ट्राइंगल बनेगा ना उसकी दो साइड ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगी। इससे क्या होगा, जो बेस होगा ना ट्राइंगल का उसको दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा, जो हाइट निकलेगी वो पीजीटी से निकल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट इज द फर्स्ट मेथड, इट इज द वन मेथड। द सेकंड मेथड, व्हेन टू साइड्स आर नॉट इक्वल, व्हेन द ट्रेपेजियम इज नॉट एन आइसोसेलस, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना होता है कि पहले हम वही पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट निकल जाने के बाद हमारा वही फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में गलतियां कहाँ कहाँ होती है। अगर हम गलती करते हैं फर्स्ट पार्ट दिस, या हम पीजीटी लगाने में गलती कर देते हैं, इन द सेकेंड पार्ट कुछ कुछ लोग 2 से 10 को काट लेते हैं, 20 को काट लेते हैं, पर याद रहे जब तक ये दोनों प्लस नहीं होंगे तब तक चीजें नहीं कट हो सकती है। इन हियर, हियर क्या मिस्टेक होती है कि ये जो स्क्वायर रूट से हम कुछ भी बाहर नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट थिंग, यहां पर हम गलतियां करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये चार तरह की गलतियों को ओवरकम करने के लिए मेरे मैथ्स मास्टरी के कोर्स को आप देखिएगा, उसमें ये हर तरह के मिस्टेक्स को मैंने सॉर्ट आउट करके बता रखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई नो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है, याद रहे अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके भी ये वीडियो बहुत काम आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।